समाज सेवी ते सियासत विच सरगर्म लखा सिधाणा ने अज पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे अगे कई अहम मंगा रखियां ने। लखा सिधाणा ने पंजाब सरकार नू सूबे विच पंजाबियां लई सरकारी नौकरियां विच 100% ते प्राइवेट नौकरियां विच हरियाणा दी तर्ज ते 85% कोटा राखवा रखन, बोनाफाइड वसींदे जरूरी करन दी मंग रखी तां जो पंजाब विच पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे पंजाबी ही सूबे विच नौकरियां दे लई अप्लाई कर सकन। इस दे नाल ही लखा सिधाणा ने दफ्तरां अदालतां विच पंजाबी भाषा नूं तरजीह देण दी भी मंग रखी है। लखा सिधाणा ने सरकार दी आलोचना करदिआं कहा कि बाहरले सूबिआं तों जो 300 व्यक्तियों नूं भर्ती कीता गया उह बिल्कुल नाजायज है। सिधाणा ने इन्हां बंदिआं नूं बाहर कढ के पंजाब दे नौजवानां नूं उहनां दा हक देण दी वकालत कीती है। सिधाणा ने पंजाब सरकार नूं नसीहत देंदिआं कहा है कि 25,000 असामियां भरन वेले यह ख्याल रख्या जावे कि किते इस विचों 15,000 नौकरियां बाहरले सूबिआं वाले ना लै जाण। सिधाणा ने चिंता प्रगट करदिआं कहा कि बाहरले सूबिआं तों आ के लोक नौकरियां लै रहे ने ते साडे नौजवान बेरुजगार रह रहे ने, इसलिए पंजाब च चाहे सरकारी जां प्राइवेट नौकरी होवे उस विच पंजाबियों नूं पहल होनी चाहीदी है। लखा सिधाणा ने एक होर मंग रखदिआं कहा है कि सारे दफ्तरां विच जिन्ना भी चिट्ठी पत्र दा काम हुंदा सारा पंजाबी भाषा विच होना चाहीदा है। दफ्तरां समेत हर बोर्ड ते पहले नंबर ते पंजाबी लिखी होनी चाहीदी है। पंजाब दीआं अदालतां विच सारा काम पंजाबी विच ही होना चाहीदा है। सब तो अहम गल्लां ये दो बड़ियां जरूरी ने कि पंजाब दे विच पंजाबियां लई कोटा सरकारी नौकरियां 100% प्राइवेट के हरियाणे की तर्ज के उत्ते 85% जो कोटा राखवा किया जाए तो बोनाफाइड जरूरी किया जाए भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हैगा पंजाब रह रहे उ अपलाई कर सकेगा। दूजी गल जिहड़ा 300 बंदा बाहरले सूबे का भर्ती होया जिहड़े अपने रिश्तेदारों लिया लिया इत्थे भर्ती कराई गए है बिल्कुल नजायज भर्ती है ये, उस भर्ती रद्द करके इन्हां बंदिआं नूं चलदा कीता जावे इन्हां बंदिआं नूं बाहर कढ़िया जावे ते उत्थे पंजाब दे नौजवानां नूं उहदा हक दित्ता जावे। पहली गल तां इह करो कि पंजाबी मां बोली दा जिहड़ा कम कार आ उह सारे दफ्तरां दे विच जिन्ना चिट्ठी पत्र दा कम हुंदा जिन्ना होर कोई कम कार हुंदा उह सारा पंजाबी च होना चाहीदा। सारे बोर्ड चाहे वह दफ्तरां दे बोर्ड है वह सड़कां दे बोर्ड है वह दुकाना के बोर्ड है जिमें कि आप महाराष्ट्र देखते हैं कि उन्होंने दुकाना के बोर्डों के उपर सब तो उपर मराठी लिखी हुई है ये उतों की सरकार का हुक्म है महाराष्ट्र का कि थले अंग्रेजी उर्दू अरबी हिंदी जो मर्जी लिखो पर उपर मराठी लिखनी पैनी है। यही गल पंजाब होनी चाहिए है कि हर बोर्ड के उपर सब तो पहला पंजाबी होनी चाहिए है। एक का काम यह करो। दूजा काम असं कहना चाहते हैं कि दूजा काम जो करा है कि पंजाब दी अदालतां दी गल आपां करदे आ कि पंजाब दी अदालतां दे विच जिहड़ा कम है उह पंजाबी मां बोली च होना चाहीदा। लखा सिधाणा ने पंजाब सरकार दे कई फैसलों की आलोचना भी की है ते सरकार नूं पंजाब दे असल मुद्दिआं वल गौर करन दी अपील की है जिस विच BBMB चंडीगढ़ BSF दा घेरा वधाउण समेत कई मुद्दे शामिल ने। सिधाणा ने भगवंत सिंह मान ते निशाना कसदिआं कहा कि असीं किते गुजरात जा के चरखा ही ना कतदे रह जाइए। लखा सिधाणा ने भगवंत मान समेत सारे लीडरां नूं पंजाब दे मुद्दिआं नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते घर बाहर बैठन दा सुझाव दिता है। सिधाणा ने दावा किया कि सारा पंजाब तुहाडे नाल खड़ेगा अंतरराष्ट्रीय मीडिया विच तुहाडी गल जावेगी। सिधाणा ने पंजाब दे लोकां नूं अपील करदिआं कहा कि जे सरकार ने कुछ ना किया तां पंजाब दीआं मंगां नूं पूरा करन दे लई मोर्चा लगाया जावेगा। इस लई असीं पहला भगवंत सिंह मान नूं अपील कर दित्ती है कि पंजाब दे मुद्दिआं नूं लैके गंभीर होण नहीं तां इक होर मोर्चे दे लई तैयार रहण।